ऑटो मीटर बराबर चलता है ना, नहीं तो मैं पैसे नहीं दूंगा। बराबर है सर। और हाँ, धुएं से मुझे एलर्जी है। कराया सर, पीयूसी कराया ना। ठीक है, चलो। राम मंदिर आ गया। बोलो कितना हुआ? 8:45। मैंने टाइम नहीं मीटर पूछा है। देखो ऑटो में जब बैठा था तो अमीर आदमी लग रहा था, अभी भिखारी समझ रहा है क्या? बोलो कितने पैसे हुए? 90 रुपये। 90 रुपये बस इतना ही? बस आधे घंटे का काम है, अभी मांग कर देता हूँ। भीख मांग के लाओगे क्या? भीख भी मांगा, पैसा पैसा नहीं होता क्या? वेट करो, वेटिंग भी दूंगा। गरीब के नाम पे कुछ दे दे, भला करो, भला करो, गरीब के ऊपर भला करो। अरे ये क्या, कैसे भीख मांग रहे हो? उन्हें क्या फैमिली मेंबर समझा है? उनके घर पैदा होगा क्या? तू भिखारी बनेगा ऐसा सोचा था क्या? मैं तुझे भीख मांगना सिखाता हूँ, रुको। झलक दिखला आजा, झलक दिखला आजा, एक बार आजा आजा, दान दो माता जी। दिखने में हट्टे गट्टे लग रहे हो, भीख मांगने में शर्म नहीं आती? कोई काम क्यों नहीं करते हो तुम? आपने जो बात कही सही है, मगर आप भी तो देखने में ऐश्वर्या राय जैसा सुंदर दिखती हैं। मुंबई जाकर फिल्मों में एक्टिंग कर सकती हैं, क्यों नहीं करती? ये बात तुम वाकई अपने दिल से कह रहे हो ना? आपका इतना अच्छा फिगर है, इतनी अच्छी प्यारी प्यारी आंखें हैं, इतने अच्छे से कोमल हाथ हैं, सुंदरता की खान लगती है आप तो, बिल्कुल ऐश्वर्या राय लगती है। तुम जो कह रहे हो ना, वो बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये लो, ये 100 रुपए रख लो। थैंक्स मैम, थैंक्स। मैं ऐश्वर्या राय जैसे दिखती हूँ? गुरु क्या झलक दिखला है, औरत पट गई। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट झलक है, अभी कलर झलक दिखलाता हूँ। बहन जी, कॉलेज बेबी कुछ दान करो। क्या कॉलेज बेबी? हाँ दिखती हो, सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली दिखती हो। दादी माँ। हाँ, इतनी बड़ी लड़की आपकी पोती है, इस सुंदरता का राज क्या है? पति को छोड़ दिया ना इस। ये क्या, आप तो झलक दिखला रहे थे, खुद झटका खा गए? जिसने मुझे शौक दिया वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। ये देखो 200 रुपये जमा हो गए, ऑटो वाला को दे के आता हूँ। ये लो मीटर के 90 रुपये और वेटिंग का 30 रुपया। एक बात कहूँ? सुनो, दिन रात रिक्शा चलाकर तुम 100 रुपया कमाते हो, और मैं आधे घंटे में भीख मांगकर 200 रुपये लाया हूँ, ये मेरा टैलेंट है। ओ, भीख मांगने के काम को डिग्निटी मानते हो क्या? डिग्निटी? कैसी डिग्निटी? मैंने काम की बहुत तलाश की मगर मुझे कहीं काम नहीं मिला। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, उस ऑफिस से उस ऑफिस में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मैं भटकता रहा, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। मैं अपने परिवार के लिए भीख मांगता हूँ। योर ऑनर, न्याय के लिए काम करने वाला एक लॉयर ने आम पब्लिक प्लेस में ही कोर्ट पर हाजिर होने वाले मुजरिम को बड़े ही बेरहमी से मार डाला। वहां अरब कंट्री में चोरी करने वाले का हाथ मर्डर करने वाले की गर्दन काट दी जाती है, क्योंकि ये उस देश का नियम है। हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, इसीलिए यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता। लॉयर होकर भी इसने क्रिमिनल जैसा काम किया है, और ऐसे ही लोगों के चलते आज दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। इसलिए योर ऑनर, आईपीसी 309 के तहत इस मुजरिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाने की फरियाद करता हूं। मिस्टर शिवराम प्रसाद, आप अपनी तरफ से कोई लॉयर रखना चाहेंगे? मेरी तरफ से कोई लॉयर होगा तो वो मैं खुद ही हूंगा। कटघरे में खड़ा मुजरिम अपनी वकालत खुद करे, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोर्ट के सारे नियम, ये सब मुझे मालूम है योर ऑनर। और यहाँ जो लायर हैं उनमें मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैंने जो गलत काम किया है, यस, मैं उसको मान रहा हूं। उसने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया, इसलिए उसे मैंने मार डाला। उसने जो कुछ किया ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। इसी न्याय के लिए मेरी बहन और मेरे पापा पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उन्हें वहां पर भी न्याय नहीं मिला। और सीएम ने जो मुझे सर्टिफिकेट दिया था उसे भी इन लोगों ने बेरहमी से फाड़ दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को बेइज्जत करके पीटते रहे और मैं कुछ नहीं कर सका। इसीलिए योर ऑनर, इनके लिए सबसे बड़ी सजा मौत की सजा है, जो मैंने अपने हाथों से खुद दी है इन्हें। कानून इन्हें सजा देता है 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, बहुत हुआ तो 7 साल की। फिर उसके बाद ये लोग जेल से छूटकर अपनी मनमानी में दोबारा उतर आते हैं, इसीलिए मैंने उसको मार डाला। इस तरह के गुंडों को अगर बढ़ावा मिलता रहा तो हमारे देश की औरतों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी, और वो खुली आबो हवा में सांस नहीं ले सकेंगी। इसीलिए दिन दहाड़े इसको मैंने दौड़ाकर सबके सामने मार डाला। हाँ, मैंने इसको मार डाला। हाँ, मैंने मार डाला इसको। दिस इज माई जजमेंट, दिस इज माई लीथल जजमेंट,
दिस इज माई फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट। मिस्टर शिवराम प्रसाद प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। शिवराम प्रसाद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस केस की अगली सुनवाई 6 जून को होगी। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इस कोर्ट में केस लड़ते समय जिस तरह की बातें तुम यहाँ कर रहे थे, इस न्याय मंदिर में मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारी हरकतें। सोचा था तुम वहाँ अच्छा काम करोगे, मगर कर नहीं पाए। तुम इसी कोर्ट में क्रिमिनल बन बदनाम हुए हो। तुम्हारे जैसे नालायक बेटे ने मेरी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया। धिक्कार है तुम्हें। इस कोर्ट में क्रिमिनल के रूप में तुम खड़े हो। मैं तुम्हें लॉयर के रूप में देखना चाहता। तुमने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया। हट जाइए मेरे सामने से। क्या कर रहे हो? हट जाइए मेरे सामने से। गुस्से में हो? शांत हो जाओ। आप लोग जाइए, चलो मेरे कमरे में जाकर बात करते हैं। तुम गुस्से में हो? तुम्हारे बेटे ने जो किया वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है सर, आपको अगर उसकी बात इतनी अच्छी लगी तो अच्छी बात। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। वो एक छोटे से भगवान के अवतार जैसा हो गया। बंसी को मारकर वो आज का शिवा बन गया है। आप सही कह रहे हैं सर। हाँ तिरुपति, 90 लाख की आबादी वाली इस शहर में हर 6 घंटे में एक मर्डर होता है, हर 4 घंटे में एक बलात्कार होता है, हर 2 घंटे में एक चीटिंग होता है, और हर घंटे में एक पिक पॉकेट का मामला भी होता है। इतने सारे केस की सुनवाई मैंने की है 25 साल के सर्विस के दौरान। कितने चोर चोरी कर छूट गए, कितने खून कर छूट गए, गुनेगार हो कर भी वो छूट गए। अगर बंसी को मैं जेल भेज देता तो उसे सिर्फ 2 साल की सजा होती तिरुपति। बहुत हुआ तो इस सजा के चलते वो कभी गांधी जयंती में तो कभी 15 अगस्त में फिर से बाहर निकल आता और दोबारा वही हरकतें करता, या तो रेप या तो मर्डर। अगर इतना पावर मेरे पास होता तिरुपति, तो जितने गुंडे मेरे पास आते उन सबको मौत की सजा सुना देता। औरतों का बलात्कार करने वालों को मौत की सजा सुनाता, चोरी करने वालों का हाथ काट देता, झूठ बोलने वालों का जबान काट लेता। और अगर इन गुंडों को सही सबक मिल जाती तो इस देश से गुंडागर्दी का नाम और निशान मिट जाता। सजा ही इंसान को सही सबक सिखाता है। इट इज द फियर ऑफ पनिशमेंट दैट मेक्स अ मैन ऑनेस्ट। जज होने के बावजूद भी मेरा दिल ये कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता कि शिवा ने बिल्कुल सही किया है। शिवा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके समाज से सभी गुंडों को मिटाने का अच्छा काम किया है। सर, आपने मेरे लड़के के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें जो की, मुझे सुनकर बहुत अच्छी लगी। इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है सर, इनाम है सर। भाई आप 2 दिन से ऐसे ही बैठे हुए, आपने तो कुछ खाया भी नहीं। भाई भाई कम से कम एक पैक तो मार लो। भाई भाई आपके लिए मैंने अच्छा खाना बनाया है। बंसी भाई क्या हो रहा? भाई भाई आपने इतनी जोर से चिल्लाया, मैं तो डर ही गया। भाई इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से आपका भाई वापस नहीं आएगा। मैंने अपने छोटे भाई को बचपन से लेकर आज तक अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। शांति कहाँ से आएगी? बंसी भाई को जिसने मारा उसकी खानदान को खत्म कर देंगे। जब तक अपन उसको मारेगा तो सारी पब्लिक क्रिकेट कमेंट्री की तरह सुनेगी। भाई भाई बस आप एक बार हाँ कर दीजिए, फिर देखिए हम लोग उसकी क्या हालत करते हैं। अगर तू उसे मारने जाएगा वो भी तुझे मार डालेगा, फिर तेरी फोटो भी सामने रख कर बैठना होगा। फोटो है क्या? नहीं भाई, फिर तो मुझे नहीं जाना है। भाई वो अभी जेल में है, वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है, उसको मारना मुश्किल है। पुलिस का काम है खूनी को अंदर रखे और अपना काम है बाहर लाने का। ए कलकत्ता की इमाम, ए राम सिंह, सब तैयार रहना, उनके खून से घर धोना और मांस निकाल कर बंसी को खिलाना है। अब चलो। सुनिए जी, कुछ तो खा लीजिए। खाना खा के अब हम किसके लिए जिए? मेरा लड़का जो बड़ा वकील बनने वाला था वो मुजरिम बनकर जेल चला गया, और लड़की जो आईएएस बनने वाली थी वो मर गई। अब बचा क्या? कम से कम मेरी खातिर खा लीजिए। अब इस जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। सुनिए जी,
जितने दिनों तक मैं जिंदा हूँ मैं आपके साथ हूँ। अभी जो हो गया उसके लिए कितना सोचेंगे और कितना रोएंगे हम लोग। शिवा जेल में चला गया उसके लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उसने एक शैतान को मारकर भगवान का दर्जा पा लिया है। सारे लोगों को गर्व है हमारे बेटे पर। जब देश की रक्षा के लिए कारगिल में मारा जाता है कोई सैनिक तो उसका नाम बड़े गर्व से लेते हैं, तारीफ करते हैं पूरी दुनिया के लोग। बस नाम के लिए ये सब बातें नहीं बोल रही हूँ मैं आपको। मैं एक माँ हूँ और दूसरे की वजह से मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। आज का शिवा मेरा बेटा है इस बात का गर्व है मुझे। हमारे साथ जो अन्याय होना था वो हो गया। आज इस हाल में भी मैं बहुत खुश हूँ। लगता है हम कहीं जीत गए। पार्वती ये हमारी जीत है। लगता कोई आया, दरवाजा खोलो। नमस्ते। ए, कलकत्ता की माँ। कल मेरे भाई का चौथा है इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन जिंदा नहीं, खलास करके बॉडी लेने। हमारे खानदान में जब कोई मर जाता है तो उसे अकेले नहीं, साथ में। तुम दोनों में से कौन जाना चाहता है ये आपस में डिसाइड करके बताओ। सर, जो मेरे लड़के ने आपके भाई को मारा है उसकी माँ उसे बहुत चाहती है, इसलिए आप इन्हें जिंदा रहने दीजिए। इन्हें कुछ भी मत कीजिए, मुझे मार दीजिए। सुनिए भाई साहब, पिता के रहते बेटे को बहुत हिम्मत और सहारा मिलता है। बेहतर है मेरी जान ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए। माँ अगर नहीं होती तो लड़के को उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे मर जाने दो। रो मत पार्वती, मुझे इस दुनिया से जाने नहीं दो। नहीं जी, मुझे सुहागन मरने दीजिए। क्यों नहीं समझती हो? सर, हम दोनों को एक साथ मार दे। क्या बोल रहे ले, दोनों साथ जाएगा? ए, जेल में तुम्हारे लड़के को मारने के लिए मंगलवार को 12 बजे तुला नक्षत्र में उसकी मौत का मुहूर्त निकाला है, इसीलिए तुम दोनों में से किसी एक को ही मरना चाहिए। ए, अगर तुमने मेरे लड़के की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ, 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 शिवा, पापा, शिवा, पापा, शिवा, पापा, शिवा, मैं मर रहा हूँ, तू रो रहा है, मत रो, तुम्हारी आँखों से जो आंसू निकल रहे हैं, वो आंसू नहीं दिखने चाहिए, दुश्मनी दिखनी चाहिए। तुझे इतनी पढ़ाई करवा के भी मैं तुम्हारे अंदर की बात, बाबा, तुमने सही किया। समाज में फैले हुए कैंसर जैसे भयानक बीमारी को तुम ही निकाल सकते हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव। पापा, पापा, शिवा के साथ जो पुलिस वाले हैं सबको मार डालो, कोई बच ना पाए। इसे शमशान में सबको दफना दो। जाओ रे।
शिवा, तुम्हारा ये हाथ हथकड़ी पहनने के लिए नहीं है। भगवद गीता में दी हुई उपदेश में अर्जुन की तरह हो तुम। बहुत साल पहले जब ये वर्दी पहनी थी तब से लेकर आज तक कुछ नहीं कर पाया। ये भी कोई कुछ नहीं कर पाया। आज के गुंडों के लिए तुम उन सब के बाप हो, ये तुमने साबित कर दिया। आज से मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। जाओ, तुमने मरते समय अपने पिता से जो वादा किया है उसे पूरा करने में अपनी जान लगा दो, सफाया कर दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ। ए, यस सर। तुम लोगों ने कुछ देखा? नहीं देखा सर। मैंने भी कुछ नहीं देखा और हम तीनों ने ही कुछ नहीं देखा। चलो।